कोमल, रोटी तो खाती जा। ना भाभी, मुझे बिल्कुल भूख ना है, मैंने तड़की दही खा ली थी। दही से के हो वे? एक रोटी खाती जा। भाभी आज बिल्कुल मन ना है। अच्छा सुन, तेरा लंच रख दिया है, उसे लेके जाना। ना भाभी, आज तो मुझे लंच के लिए भैया ने पैसे दिए हैं। चलो मैं चलती हूँ, बाय बाय। क्या लफड़ा आज? इनका कुछ जमीन में इनका लफड़ा, थोड़ा सा बैठ के सुलझा लेंगे। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते भैया। नमस्ते कोमल जी। बेटा लंच में कुछ खा लियो? जी भैया। हाँ जी बल्लू भाई, मैंने रामू से 2 साल के लिए खेत टेक के पे लिया था, अभी बीच में छुटा रहा। कोई गवाह है? हाँ जी, मेरे सामने तय हुई थी 2 साल के लिए। हाँ भाई रामू, के ड्रामा है ये? जुबान की भी कोई कीमत होती नहीं होती। पर कुछ नहीं, ये हमारा फैसला है। अगर जमीन 2 साल के लिए ठेके पे ली है तो अब 2 साल के लिए ही रहेगी। ठीक है जी। राम राम। भाइयों बल्लू भाई का फैसला इसके आगे किसी की न चलती है। भाइयों बल्लू भाई की काम कमान में तूती बोले, इसके आगे किसी की न चलती है। प्यारे बच्चों, बाल दिवस के शुभ अवसर पर सभी बच्चों को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मैं आपको एक और सूचना मंच के माध्यम से दे रहा हूं कि कक्षा 11th में कोमल ने टॉप किया है। जोरदार क्लैपिंग। हमें अपनी कोमल पर पूरा गर्व है, एक दिन ये हमारे खानदान का नाम जरूर रोशन करेगी। आखिर ननद किसकी है? अरे वाह, ननद किसकी है? बहन मेरी है। भैया देखना, ऐसे ही पढ़ती रही ना, एक दिन दरोगा जरूर बनेगी। दरोगा ही बस? और क्यों, ये SP या DM बनेगी। ओ अरे भगवान, तू एक कप चाय बना ला, फिर मैं बाजार भी जाऊंगा। भैया चाय मैं बना के लाऊंगी, वो भी इलायची वाली। अरे बेटा रहने दे, तू अभी स्कूल से आई है, तू आराम कर ले। आराम तो हराम हो गए भैया, मैं पढ़ाई बाद में करूंगी, उससे पहले मैं आपके लिए चाय बना के लाऊंगी। वैसे भी तब मुझे काम करण कहाँ दो हो। ठीक है भाई, जैसे मर्जी। अरे कोमल कहाँ है? वो रही, रस्सी कूद रही है। अरे कोमल। जी भैया। उरे कुआ। हाँ बोलो भैया, क्या बात है? खेल आये हो अपनी लाडली के लिए? बादाम काजू किशमिश छुआरे ले, खा पी के मोटी हो जाइए। और देख वैद्य जी भी कह रहे थे बादाम खाने से अकल आती है। लेकिन भैया इतनी सारी चीजें मैं अकेले कैसे खाऊंगी? एक दिन में थोड़ी खाने, मैं रोज रोज दूंगी तुझे दूध में रजा के। और सुन, दूध में पानी मत गिरिए। तुम तो यही सोचो कि तुम ही ज्यादा प्यार करो अपनी बहन को। अरे तुम लुगाई ना घी जोड़ने के चक्कर में कंजूसी कर जाओ। बस रहन दो तुम। भाभी मेरा बैग ना मिल रहा, बैग कहाँ है? ये ले, मैंने इसमें तेरा लंच रख दिया है, खा लेना। भाभी कितना खिलाओगी? पूरा का पूरा दिन सारे के सारे बस खा लो खा लो खा लो करते रहते हो। अरे खाएगी नहीं तो पड़ेगी कैसे? भाभी ज्यादा खाने से नींद भी तो आवे ना। तेरे जैसे बालक जितना भी खावे सब हजम हो जावे। अच्छा भाभी खा लूंगी, आप खुश? खुश। चलो बाय बाय। कोमल, आजकल तो सारे स्कूल में तेरी बुद्धिमानी के ही चर्चे हैं। हाँ हाँ, तेरी सहेली जो हूँ वो तो है। कोमल तू काला टीका लगा के आया कर स्कूल में, वरना तुझे नजर लग जाएगी। अरे कुछ नहीं होता यार, इन बातों से सब वहम है, तू चल देर हो रही है। नहीं मुझे सर से कुछ काम है, तू जा मैं आती हूँ। चल बाय बाय। भगवान ने तेरे माथे में, बिल्कुल अंधा ही हो गया। जी जी वो के
आपकी जगह बटन लगा रखे। तुझे शर्म ना आती? तेरे पे ये 20 से 30 किलो की साइकिल ना संभल रही, अब बोलता क्यों ना? मुंह में जुबान ना है के? सॉरी। ये सॉरी के हो? किसी को गोली मार दो तो सॉरी, किसी को धक्का मार दो तो सॉरी, किसी को टक्कर मार के उसके हाथ पैर तोड़ दो तो सॉरी, ये सॉरी वॉरी हो के? मैं अपनी गलती मान रहा हूँ। चल ठीक है, आगे से ध्यान से चलाइए, और अगर मोतियाबिंद हो रहा है ना तो इलाज भी करा लिए। कोमल के बात होगी, आज इतने गुस्से में कैसे? टक्कर मार दी उस अंधे ने। कौन अंधा? चोट तो ना लगी तुझे? ना ना, चोट तो ना लगी, पर था एक अंधा सा पागल कहीं का, न जाने कहां से लिकड़ा और मार दी टक्कर। चल कोई ना, उसे तो मैं देख लूंगा, तू कपड़े बदल ले, और भाभी मेरी लाडली कनिया खाना लगा दे। कुछ लोग ना आंख होते हुए भी अंधे हुए हैं। के हो गया? किस पे गुस्सा हो रही है? किसे अंधा कह रही है? दो कौड़ी का पिंचर वाला अंधा कहीं का। कुछ लोग ना आंख होते हुए भी अंधे 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 दो कौड़ी का पिंचर अंधा अंधा अंधा। छोरी अब तो तने हदी कर दी, ये समझ रही अपने आप को? उस दिन मेरी गलती भी ना थी, मैंने फिर भी गलती मान ली। और सुन, दो कोड़ी की होगी तू, भगवान ना तेरे लिए रखी है, देख के भी चल सके। तेरी यू औकात? तुम मुझसे जुबान लड़ा रहा, एक पिंचर लगाने वाला? औकात की बात कर रही है? मेहनत कर रखा हूँ, तेरा थाली बैठ कर ना खाता हूँ। भगवान ने तो हाथ दे रखे है, मेहनत करूँ चोरी ना करता, अरे तो आ रहा होगा ना आराम का, तो पैसे किसी के द्वारा भी हो जाए, इसका मतलब यू ना आदमी ऊपर घूम करके चले। वो तो सुकर साइकिल ले रही है, रेल ना ले रही, ना चढ़ रहती ऊपर ही, देख के चलेगा, समझ गई? चुप रह, मैं तेरे जैसे के मुंह ना लगती, समझा? चल हट। चप्पल से मुंह की, और तू फटे हुए जूते जैसे मुंह का। कोमल आजकल तू बहुत उदास है, क्या बात है? ना भाभी, तुम्हें न्यू लग रहा है, ऐसी कोई बात ना है। भाभी इसके नौरा कुछ भी, या पढ़ाई में हर साल अव्वल आवे ना, बस इसे इसी बात का घमंड है। ना नू, तुम्हारी कोमल बहुत दिमागदार है। भाभी मेहनत तो पड़गी तो ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा। तब मुझे अकेला क्यों ना छोड़ देते, मैं सोना चाहूँ। चल भाभी, कोमल को सोन दे, फिर से देर रात तक पढ़ना भी है। पर पहले ये दूध पी ले, मैं तेरे लिए गर्मा गर्म दूध लाई हूँ, बादाम घेर के। भाभी तुम इसे इधर धर दो, मैं बाद में पी लूंगी। पी लिए इसे, वरना मैं पी जाऊंगा सारे को।
पी लूंगी भाई, पहले मुझे सो तो जान दे। तेरी तो नींद ही ना पूरी होती है, पहले दूध पी ले। ले कोमल, आज तेरे लिए बेसन का हलवा और पनीर की सब्जी बनाई है। भाभी मैंने कितनी बार कहा, मुझे लंच में भूख ना लगती। कुछ खाएगी पिएगी ना तो पढ़ेगी लिखेगी कैसे, और कोई दिक्कत हो तो बता, तुझे डॉक्टर का दिखवा मैं। ना भाभी ऐसी कोई बात ना है डॉक्टर को दिखाने वाली, तुम फिक्र ना करो। फिक्र क्यों ना करूं, पहले तो तू बहुत खावे पीवे थी, अब क्या हो गया तेरे? भाभी ऐसी कोई बात ना है, जब तुम ना मान रही ना तो लाओ, स्कूल में बतेरे हैं खाने वाले। कंचन ये ले, बैग में टिफिन रखा है, भाभी ने बेसन का हलवा भेजा है, मुझे तो भूख ना है, तू खा ले। तेरी यह बात अच्छी ना है, तू कई दिन से कुछ भी ना खाती लंच में, आखिर बात क्या है? कंचन मुझे उस लड़की की ना एक बात बहुत हैरान कर रही है। ओहो तो तू क्यों परेशान हो रही है? तू अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, और उस छोरे ने अपनी गलती मान तो ली थी। हाँ गलती तो मान ली थी, पर पता है उसकी कुछ बात ना मुझे बढ़िया भी लगी। तुझे उस पंचर वाले की नजर लग गई दिखे, शाम को भाभी से जाकर नजर उतरवा ली है, सब ठीक हो जाएगा। फोन क्यों किया था? फोन इसलिए किया था कि कोमल कई दिनों से खाना ना खा रही, पता ना क्या हो गया उसे, भूख ना लग रही उसे, उसे किसी डॉक्टर के दिखाओ। तो ये बात तूने पहले क्यों ना बताई? कल मेरे ध्यान ना रही तुम्हें बतानी। अब कहाँ है वो? वो तो स्कूल गई है। ठीक है, मैं उसका स्कूल जाता हूँ और उसको वहीं से डॉक्टर को दिखा कर लाता हूँ। जी। कंचन मुझे पता नहीं क्या हो गया, मुझे कमल के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। क्या बकवास कर रही है तू? तू इसे बकवास कह रही है? कंचन उसने मुझ पे ना जाने क्या जादू कर दिया है, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं उसके बिना जी नहीं पाऊंगी। कोमल तू कॉलेज की सबसे होशियार लड़की है और तेरा काम है सिर्फ पढ़ाई करना, ये सब बेकार की बातें हैं। कंचन तुझे ही तो ये बेकार की बातें लग रही हैं, तू मेरे मन से तो पूछ के देख। कोमल तू मेरी बात मान, तेरी उम्र नहीं है भी इन चक्रों में पढ़ने की, तू मेरी अच्छी सहेली है, मैं तुझे इसीलिए समझा रही हूँ। कंचन मैं मन को समझाती तो बहुत हूँ, पर ये मन मानता ही नहीं है। क्या कर रही है तू? कभी कभी दिल के पंचर जोड़ने के लिए ना साइकिल में पंचर करने पड़े। सुनो मेरी साइकिल में पंचर लगा दो। छोटू जैसी साइकिल में पंचर लगा दे। लाओ। अरे नहीं पंचर तुम ही लगा दो ना, ये तो सिगदड़ है ना, पता नहीं लगा पाए के ना। इसे पहिया तो खोलन दो, पंचर मैं लगा दूंगा। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, सच्चा ही सही, सच्चा ही सही, सच्चा ही सही। उस्ताद लो खुल गया टायर, लगा दो पिंचर।
कटती है, रातें ये कटती है, तेरे बिन जीना रातों में मुझे लगता ये मुश्किल है, तेरे दीदार को हर पल मेरी आँखें तरसती है। कोमल स्टैंड अप, इसकी इंग्लिश बताइए, राम खाना खा रहा है। कोमल मैं तुमसे ही पूछ रही हूँ, राम खाना खा रहा है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? कोमल मैडम आवाज लगा रही है, तू ये क्या कर रही है? ये क्या कर रही हो कोमल, आपका ध्यान कहाँ है आजकल? मैंने आपसे पूछा था राम खाना खा रहा है, इसकी इंग्लिश बताइए मुझे। मैडम राम ही क्यों, कमल भी तो खाना खा सकता है। कोमल सुधर जाइए, नहीं तो स्कूल से मैं आपका नाम काट दूंगी। ठीक है मैडम, थैंक यू। कोमल तुझे क्या हुआ है? कंचन मुझे ये तो नहीं पता कि मुझे क्या हुआ है, पर जो भी हुआ है ना बहुत अच्छा हुआ है। पता है मुझे ये दुनिया ना बहुत हसीन लगने लगी है। कोमल ये 4 दिन की चांदनी है, उसके बाद अंधेरी रात, तू अब भी संभल जा। कंचन अब तो गाड़ी ना स्टेशन से निकल चुकी है, जब तू इस पल को जिएगी ना तब तुझे पता चलेगा। कितने पंचर करेगी इस साइकिल में, तूने तो इस साइकिल की जान ही निकाल दी। अगर इसकी जान ना निकाली ना तो मेरी जान चली जाएगी, और इसके बहाने से मैं अपनी जान से भी मिल लूंगी। अरे मिस्त्री जी इसमें तो फिर पिंचर हो गया, मुझे लगे तेरे पे मजबूत पिंचर लगाना नहीं आता। अरे छोटू, हाँ देखी साइकिल में क्यों हो गया, ला मुझे दे साइकिल, लगाऊं पंचर। अरे नहीं, मैं तो बड़े मिस्त्री जी से ही लगवाऊंगी पंचर। ला दिखा। यह ट्यूब तो बिल्कुल छनी पड़ी है, दुनिया भर के पिंचर लगे पड़े हैं इसमें, इसमें तो नई गेरनी पड़ेगी। ठीक है गेर दो नई ट्यूब। हाँ छोटू, हाँ जा ट्यूब लटा के। ठीक है लो उस्ताद नई ट्यूब। ए छोरी तेरे पास साइकिल ना? क्यों, जो तेरे पास साइकिल होती तो ये तेरा पिंचर सारी उम्र फ्री लगाता मैं। तू इस बच्ची सी साइकिल को ठीक कर ले। ले बिल्कुल टनाटन होगी। देख के चलाया कर। ठीक है।
क्या बात है, आज पिंचर नहीं हुआ क्या? हुआ ना पिंचर, साइकिल के मिस्त्री साहब ने मेरे दिल में पिंचर कर दिया। पागल। अरे मिस्त्री साहब, आज मेरी साइकिल में फिर पिंचर हो गया। हे भगवान, कल तो ट्यूब डाल ली थी, ऐसा कौन से कांटों वाले रास्ते पर आई करे? कांटों वाला रास्ता ना, तने ना इसमें अपनी तरह नकली ट्यूब घाल दी। ना मैं नकली, ना मैंने ट्यूब नकली घाल ली, मुझे तो मामले कुछ और लगे। ला, अरे छोटू। हाँ जी। औजार लेकर। लो उस्ताद। इसमें तो जान पूछ के पिंचर कर रखा। हाँ, हो सके स्कूल में किसी ने पिन से पिंचर कर दिया हो। अग्र ध्यान राखिए। किस किस बात का ध्यान रखूं मिस्त्री जी, मेरा तो ध्यान ही कहीं और रहता है। अरे भाई सुरेश, बहुत दिन माया, ठीक भी है? हाँ मैं तो ठीक हूँ, तू सुना तू कैसा? हाँ मैं भी ठीक हूँ। अरे छोटू। हाँ उस्ताद। सुरेश को बेहतरीन वाली चाय पिला, बेहतरीन वाली। अरे छोटू। हाँ भैया। अरे इसका इतना जरूरी काम के आ गया जो मुझे भी छोड़ कर भग गया। भैया। हाँ। उस्ताद जी के तो आजकल बड़ी मिल चल रही है आजकल, और मिल के उस्ताद जी तो हीरे मोती पे खेल रहा। अच्छा चल कोई ना, इतना आ जाएगा, तू एक कड़क चाय बना ले इतने। भाई ऐसी कड़क चाय पिया दू मैं, जिंदगी में याद रखेगा। पर भैया कहीं मेरा भी जुगाड़ लग सके, कुछ हो सके। देखूंगा, मेरी साली चट्टी से बात करूंगा। हाँ आओ। के बात होगी? कुछ ना, मैं इस ट्यूब को बहुत ध्यान से रखूंगी, कभी पंचर ना होने दूं। कमर पे चोटी बड़खा रे रे सौप सालड़े, तेरे वर्गा दूजा पीस बता पावे नकड़े, तेरे वर्गा दूजा पीस बता पावे गकड़े। मोतिया से दांत तेरे पतले पतले होठ से, खिल रहा से बाग तेरे पके अखरोट से, राखी बाड़ जुगड़ दे कौन कित कै पड़े, वर्गा दूजा पीस बता पावे गकड़ा, तेरे वर्गा दूजा पीस बता पावे गकड़ा। लागे से कमाल तेरा पोरे वर्गा गात रे, बोले से कसुती लावे मीठी मीठी बात रे, बोले से कसुती लावे मीठी मीठी बात। दूजा पीस बता पावे गकड़ा, तेरे बरका दूजा पीस बता पावे गकड़ा। नवीन नागर ने ना देखी ऐसी उर परी, तेरे आगे कहीं की ब्यूटी रह गई रह
दूजा पीस बता पावेगा कड़ा, तेरे बरगा दूजा पीस बता पावेगा कड़ा। अच्छा आज फिर पंचर पंचर नहीं, आज इसकी चैन उतारूंगी। अरे मिस्त्री जी, इस साइकिल का इलाज तुम पे हो जाएगा कि ना? आज की बात होगी इसमें, पिंचर सा भी ना लग रहा। उस्ताद, आज इसे ढंग से ही खोल दे। चैन तो इसकी उतरने लायक है ना, तो जबरदस्ती तारी गई है। अरे चैन खोल दिए। लो उस्ताद खोल दी चैन। अरे मैं साइकिल की कह रहा, तेरी जर्किन की ना कह रहा। खोल। नहीं, साइकिल की चैन तो तुम ही चढ़ाओगे। ठीक है, मैं ही चढ़ा दूंगा। दिए पान ना। अब की बेरी से ढंग से ठीक कर दिए। कभी इसकी चैन खराब हो जा, कभी इसका हैंडल टेढ़ा हो जा, कभी इसमें पिंचर हो जा, देख मेरे हाथ भी काले हो गए। चैन तो इतनी सख्त है, बिना उतारे ना उतरती। पर अब मन्ना ठीक कर दी, अब कहना उतरा तेर तया। चैन तो इसकी चढ़ गई, पर ज्यादा लटके झटके मत मारिए। झटके मारे बिना तो मेरा काम ना चलता। शालिम, एक दिन तुझे इस तस्वीर से निकाल के ना अपने दिल में बसा लूंगी। ए छोरी, क्यों चुपचाप लेटी है? कुछ पढ़वड़ ले। ए बहरी होगी के, पढ़ ले। अब अरे भाई, तू मुझे ही कह रहा है के? ना, बाहर बच्चिया बैठी उसे कह रहा, वह भी पढ़ेगा रहे। मैं तो पढ़ी रही थी, तने तो मेरा ध्यान ही भंग कर दिया। बिना कापी किताब के पढ़ाई हो जावे है के? बिना कापी किताब के तो बहुत अच्छी पढ़ाई हो। तू सही कह रहा कुलदीप, आजकल इस छोरी का पढ़ाई लिखाई में ध्यान ना। हाँ, मैं भी नहीं कह रहा, बिल्कुल नहीं पढ़ती। पता नहीं आजकल कहाँ ध्यान है इसका। मैं अपना काम ठीक से कर रही, तुम मुझे नहीं दुखी कर रहे। ले कोमल, तेरी पसंद का खाना बनाया है, खा ले। भाभी मेरा मन ना है, मुझे भूख ना लग रही, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। ये बालक तो कभी हम भी थे, हमने तो कभी जिद ना करी। भाभी मुझे भूख ना है, मुझे कुछ ना खाना, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही। ए रोटी खा के सो जाइए, पता ना क्या हो गया इस छोरी को, रूह भी काली होगी। भाभी मुझे ना खाना, मैं सोने जा रही बस। कोमल, हाँ भाई चतुर। जी बाबूजी। जब तूने भैंस ली तो पैसे क्यों ना दिए इसे? बल्लू भाई, धन्ना ने भैंस झूठ बोल के दी, भैंस तीन थनी है।
नहीं भाव जी चारो थाने। हाँ भाई, तुझे पहले ने दिखाई देती लेती बार। हम तो चाह रहे हैं दूध तीन में से निकलता है, पता ब्याने के बाद चला। हाँ भाई धन्ना, तना भैंस झूठ बोलो क्यों दी? जब भैंस दी चार थन थे भैंस के, पिछले ब्यात में चारों में दूध आ रहा था। नहीं बाबूजी, धन्ना झूठ बोल रहा है। हाँ भाई चतुर, धन्ना तो चलाक बन रहा, अब यू बता तू के चावे है? बाबूजी जो तुम कर दो। भैंस कितने की ली? 60,000 की। 60,000 की भैंस, चार थन और एक थन के हुए 15,000। ठीक है जी, तो दो एक थन था खराब, तो रह गए तीन थन, तीन थन के हो गए 45,000, और पांच कट गए झूठ बोलने के, बच गए 40। 40 दे दिए। ठीक है बाबूजी, जो बल्लू भाई ना करते वो बढ़िया कर दिया। भैया यहाँ गेर में बैठ के पंचायत लेके कदी कदा घर की भी सोच लिया करो। क्या हो गया? कोमल ने रोटी ना खाई है, बहुत समझा ली, तुम चलो समझा दियो। चल भाई। ठीक है भाइयों, तो फैसला हो गया, अब तू इसे 40 दे दिए। ठीक है, कोमल। अरे उठ जा बेटा, रोटी क्यों ना खा रही तू? भैया तुम तो नहीं हो दुखी हो रहे? मैंने भाभी को कह तो दिया था कि मैं बाद में खा लूंगी। देख बेटा, अगर तबीयत खराब है तो बता दे, डॉक्टर को बुला दूंगा। ना भैया ना। भैया थारे लाड़ प्यार ने बिगाड़ दिया, तुमने ज्यादा सिर पे चढ़ा रखी है या अबिया पढ़ती ना लिखती? अरे तू न्यू ना कह कर, बहुत प्यारी है मेरी कोमल। अरे संतोष, अरे इसके लिए रोटी लिया ले कोमल। अब तो तुम सब राजी हो गए ना? हाँ, और देख इसकी बात को कैसे झूठी करा है, पूरे जिले में तो पाइए बेटा। साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है। अरे ओ मिस्त्री साहब, आज तो मुझे गुंगी होके आना पड़ा। तू तो फटाफट बोल रही। अरे छोटू देख ले इसे, या रोज ही खराब हुई रहे। लाओ दिखाओ, करू घंटी ठीक। नाना मैं बड़े मिस्त्री साहब से ठीक कराऊंगी, तू परे को फूक जा। ऐसे घूर घूर के क्यों देख रहे हो, जल्दी आ जाओ। ले होगी ठीक। यू तो इसकी घंटी ठीक करे, और जो तेरे पास साइकिल होती तो मैं तेरी घंटी ठीक ना करता। चुप बैठा रहे, अब तो मैं घंटी बजा बजा के जाऊंगी। अरे देखे भाभी आली दिखे। चल बकवाद मत करे, कुछ काम भी कर लेकर, ये सारा सामान बिखरा पड़ा। काम काम काम, मेरी सारी जिंदगी काम में चली गई, पर यू मेरा सुसरा मेरा एक काम ही ना हो पाया। यू अरे भाभी कुछ खाने का लाई दिखे। नहीं छोटू, ये कपड़े ना मैं कमल के लिए लेके आई हूँ। कपड़े लते? ए भाभी, हमें तो आज तक किसी ने कत्तर भी ना दी, पर हाँ एक ताई ने हमें पुराने जूते तो दिए, जिन्हें मैं आज तक पहरे फिर रहा हूँ। और भाभी तू इस कंचन से कह देती, यूं ही मारे लिए रुमाल से लेती, महाराज जी राजी सा हो जाता। रुमाल में पूरा ढक जाएगा तू। और सुनो, जब मैं आऊँ ना तो मुझे ये कपड़े पहने हुए दिखने चाहिए, वरना अच्छा ना होगा। चल रहा छोटू, काम कर। देर तक सेटिंग करनी है, यू ध्यान रखिए। उस
उस्ताद आते इतवार दिखे आज नाने गयो तू जा रहा है ना एक तो अरे ओ छोटू, आज तेरा उस्ताद कहाँ है? आज फिर पिंचर हुआ के उस्ताद जी तो ना है। कुछ ना हो रहा इसमें, परे को फूक ले अपने मुंह को। अरे तू तो रो जा। छोटू एक बात बताऊं तुझे? बताओ उस्ताद। जब मैं छोटा था ना, मेरे माँ बाप मर गए थे। किसी रिश्तेदार ने, दोस्त ने मेरा कोई साथ नहीं दिया। बहुत मेहनत करके यह छोटी सी दुकान बनाई, बाकी सब तुझे पता ही है उस्ताद। बहुत दुख भरी कहानी है थारी तो। बहुत दुख झेल लिया तुमने तो। अब आकर थोड़ी सी राहत हुई है, पर मुझे नू लगा यह छोरी है ना सारे बने बनाए काम को बिगाड़ेगी। इसकी नीत ठीक नहीं लग रही, मैं भी अपने दिल को कदलो समझाऊं। उस्ताद लगा तो मुझे भी कुछ ऐसा ही है। खैर जो भी है देखा जाएगा, पर मेरा यार ना हो तो जाने वाला सुरेश, उसने मेरा बहुत साथ दिया। उस्ताद एक बात बताऊं, बहुत कम लोग हुए जो दुख में काम आवे। भाई बहुत नसीब वाले हो तो मैं सुरेश जैसा यार मिला। उस्ताद भैया साइकिल खराब हो गई है। साइकिल खराब हो गई है तो उसमें मट्टी का तेल छिड़क के आग लगा दे। ज्यादा बकवास मत कर, साइकिल ठीक कर। अरे अपने उस्ताद को बोला तेरे अपने हाथों को स्पिंचर पिंचर लगाना। क्या कर रहा बे? यू हमारा खानदानी काम है। मेरा बाप पिंचर लगा हुआ, मेरा दादा पिंचर लगा हुआ था, और मेरा परदादा अंग्रेजों के पिंचर लगा हुआ, और तू बकवाद कर रहा। मारे लगाए पिंचर हटते नहीं, क्यों पड़ जाएगी चाहे। जालिमी कैसा जादू कर दिया तूने मुझ पे। ना मेरी साइकिल से तेरे हाथों के निशान जाते हैं, और ना मेरे दिल से तेरे बातों के निशान जाते हैं। अब अंजाम चाहे कुछ भी हो, पर कमल की महक कोमल की जिंदगी में जरूर बिखरेगी। मैं हर कीमत में तुम्हें पाकर रहूंगी कमल। किसको पाने की बातें कर रही है? अब मैं जिंदगी को पाने की बात कर रही हूँ। जिंदगी तो तेरे पास है, जिंदगी कहाँ जा रही है? चल अंदर चल, आज रिजल्ट भी डिक्लेयर होने वाले हैं, और तुझसे मुझे पार्टी भी तो लेनी है। हर बार की तरह इस बार भी तू ही टॉप करेगी। टॉप तो मुझे ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। चल देखते हैं। हमारे स्कूल में पहला नंबर लाने वाली है अंजलि, और दूसरा नंबर लाने वाला है विनय। कोमल का नाम ना आया, क्या बात है? हमारी कोमल का नाम क्लास में नहीं जिला टॉपर में आएगा। और तीसरे नंबर पर है शशि। देख अब आएगा कोमल का नाम। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछले साल की स्कूल टॉपर कोमल बुरी तरीके से फेल हो गई। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। कोई बात नहीं, मैं एक दिन स्टेट टॉप करूंगी, पढ़ाई में ना सही किसी दूसरे काम में। तू क्या उल्टी सीधी बातें कर रही है? टाइम आने दे, सब पता चल जाएगा। ए छोरी, ऐसा तो कभी हमने सोचा भी ना था, तू तो पढ़ाई में बहुत बढ़िया थी। भाभी तुम दोनों ने घने लाड़ में चढ़ा रखी। मैं इतने दिनों तक कह रहा इसकी पढ़ाई पर ध्यान दे लो, पर मेरी सुने कौन है? अरे कुलदीप शांति से काम ले, ज्यादा भड़क मत। भड़कू क्यों ना, हमने इसे सारी सुविधा दे रखी या फिर भी नहीं पढ़ती। बेटी कोमल ये सब ठीक ही तो कह रहे हैं, सब तेरे फायदे की सोच रहे हैं, और मैं ये सोच रहा था कि पढ़ लिख के हमारा नाम रोशन करेगी, पर चलो जो हुआ सो हुआ, अब आगे इसके बारे में सोचेंगे। यार कुलदीप जमाना बहुत खराब है, जवान बालकों को डांटना ठीक बात नहीं है। जमाना खराब है भैया, मैं नहीं तो कह रहा हूँ कोमल का ब्याह कर दो। यार कह तो तू ठीक रहा है, माजरे गांव में रामवीर प्रधान का छोरा है, और हिसाब किताब भी ठीक है, छोरा भी पढ़ा लिखा है। एक बार प्रधान जी से मेरी बात हुई तो थी। बहुत बढ़िया रहे होगा, गांव के अमीर लोग हैं, ठीक गुजारा बता रहे हो तुम उनका, देख लो बात बने तो ठीक है।
मैं कल फोन करके उनको बुला लेता हूँ। ठीक है भैया, पर कोमल की पढ़ाई का क्या होगा? पूरा खानदान पढ़ा लिखा है और वो खुद कोमल को आगे पढ़ा लेंगे। ठीक रहेगा। नमस्ते जी। नमस्ते। प्रधान जी मिठाई और चाय लो जी। भाई बल्लू, कोमल को देख के तो मिठाई खाने का कतई मन नहीं कर रहा। हमारी बेटी तो सुंदर ही इतनी है। प्रधान जी, तो सब ऊपर वाले की कृपा है। तो हमारी तरफ से तो ये रिश्ता मंजूर है। भाई बल्लू, तैयारी करो भैया। जी बिल्कुल, बेटी हमारी हुई। भाभी, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, मैं पढ़ना चाहती हूँ। अच्छा, तेरी पढ़ाई की बात मैं अभी करती हूँ। लो प्रधान जी। हाँ भाभी। कोमल पढ़ना चाहती है, पहले उसकी पढ़ाई की बात कर लियो इनसे। अभी जाके कर लेता हूँ। प्रधान जी, हमारी कोमल की आगे पढ़ने की इच्छा है। भैया अच्छी बात है, पढ़ने की इच्छा तो जहाँ भी देश में विदेश में जहाँ पढ़ेगी, हम बिल्कुल भी पढ़ाने में कंजूसी नहीं करेंगे। अरे यार, प्रधान जी के यहाँ कोई कमी थोड़ी है। बाबी, मैं अपनी लाडली के ब्याह में खूब छिक के नाचूंगा और सोने की चैन भी दूंगा। चैन मैं दूंगी अपनी कोमल को गले का हार। देख कोमल, यहाँ तो सब कितने खुश हैं और तू क्यों चुप बैठी है? बाबी यह शर्मारी है। अरे मैं तो अपनी कोमल को लंबी और बड़ी गाड़ी दूंगा। भैया बड़ी और लंबी गाड़ी दोगे? मैं तो पूरे काम गांड में नोता दूंगा। अपने यार दोस्त रिश्तेदार सब पता चल जाओगी अकमारी कोमल की शादी हो। भाई खुशियां मनाएंगे खूब। अरे भैया खर्चा भी आग मूंद क्या करो, तुम एक काम करो सामान की लिस्ट बना लो। ठीक है भैया। गाना किसी से टूट जाएगा, अपना बना के फिर रूठ जाएगा, अपना बना के फिर रूठ जाएगा।
साहब जल्दी कुछ करो, मेरे घर वाले मेरी शादी कर देंगे। शादी तो घर वाले ही करे करें, इसमें क्या बात होगी। अरे वो कहीं और कर देंगे, मुझे तुमसे शादी करनी है। ऐसा थोड़ी होई करे, मैं अपनी जान दे दूंगी पर मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तुम जल्दी करो, मुझे कहीं भी लेके चलो, पर जल्दी चलो। पहले तो बताई ना यहाँ पैसे दे ले, चून चपड़े कुछ भी ना यहाँ। उसकी चिंता मत करो, मैं पैसे लेके आई हूँ। तू पैसे क्यों ले आई घर पे? मुझे नहीं पता, तुम जल्दी चलो। चल रुक जा, मैं देखता हूँ। अरे जल्दी करो, जल्दी। तेरा दोष माफ करने के लायक नहीं है, तना गांव की छोरी पे गलत निगाह गिरी। तेरी इतनी हिम्मत हो कैसे गई? भैया जी से इतनी बार समझाया पर इसने किसी की बात नहीं मानी। इसका एक ही इलाज है, इसे पुलिस के हवाले कर दो। नहीं भाई साहब, मेरे बेटे के साथ ऐसा मत करो, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तू अपनी बर्बादी से डर रहा और दूसरे की इज्जत की कोई परवाह नहीं? अगर मेरे घर का कोई भी आदमी ऐसी हरकत कर देता ना तो जान से मार देता। भाभी मैं तो उसे सारे में देखा, उसका कहीं कोई पता नहीं चला। तेरा भैया हम दोनों को मार देगा, और उसके स्कूल में पूछ के आया ना? हाँ भाभी स्कूल में भी गया, आज तो वह स्कूल में भी न गई। अपनी किसी सहेली की तो ना चली गई? सहेली के भी गया, उसकी एक ही सहेली है कंचन, वह भी आज स्कूल न गई, उसे भी कुछ पता ना। भाई मेरा तो धक-धक होने लग रही, कहीं कोई ऊंच नीच ना हो जा। भाभी ऐसे ना कहवे। अपने भैया को बताया है या नहीं? अभी बता रहा हूँ फोन करके। जल्दी करो कुलदीप। कर रहा हूँ। हेलो भैया, कोमल कहीं ना मिल रही, सब जगह देख ली। क्या सुबह से गायब है? सब जगह देख लिया कहीं ना मिली। तुम जल्दी घर आ जाओ भैया। ठीक है मैं आ रहा हूँ। भाइयों अभी फैसला तुम लोग करो, मुझे एक बहुत जरूरी काम आ गया है, मैं जा रहा हूँ। कोमल आगे सुरेश का गांव आने वाला है, ऐसा अच्छा नहीं लगता, कपड़े चेंज कर ले। यहाँ कहाँ कपड़े चेंज करूंगी? अंदर जाकर इक्कों में बैठकर चेंज कर ले। ठीक है। देखना इस पे किसकी तस्वीर बन रही है।
कमल पिंचर वाला, इस पे तो गिरी सा भी लग रहा है। देखियो भैया, वो कागज मिला उसकी किताब में, इस पे लिख रहा कमल पिंचर वाला और इस पे यहाँ काला सी भी लग रही है। कंचन उसकी खास सहेली है, उसे जरूर पता होगा इसके बारे में। कुलदीप तू एक काम कर, उसके घर जा, वो ही बताएगी ये कमल कौन है। ठीक है भैया। अरे बिहेवियर ना करा यार, वहां तो यार कोमल मुझे भगा लाई। कोमल भगा लाई? यार मैंने तो सुना लड़का भगा के ले जावे, पर जो करा वो तुमने ठीक ना करा। अरे यार जो भी है पर मेरी मदद तो कर। मदद तो करूंगा जितनी मेरे पे होगी, तू मेरा यार है। मैंने थारी सारी बात सुन ली, हम ना थारी कोई मदद करने वाले तम तो हमें भी फंसवाओगे। अरे शांत रहे भगवान, यारी दुख दर्द भी तो काम आवे। दुख दर्द भी तो ढंग का हो, पूरी समाज की बुराई हम पे आ जाएगी। शोर ना मचावे, कुछ तरकीब सोचेंगे। ठीक है, जो सोचना है जल्दी सोचो, ऐसे मामले में ज्यादा नहीं सोचा करते। कंचन, ए कंचन। हाँ भैया। ये कमल कौन है? भैया वो साइकिल मिस्त्री है। कोमल जानती है क्या उसे? हाँ भैया, वो साइकिल उसी के धोरे ठीक करवावे थी। कहाँ पे है उसकी दुकान? भैया उसकी दुकान स्कूल के धोरे झोड़ के बराबर में है। क्या हुआ भैया? कुछ नहीं हुआ। बाबूजी हवा भरू के। कमल कहाँ है? कमल तो जी मुझे पता नहीं कहाँ गया हो, कुछ बताया के नहीं गया। उसका घर कहाँ है? घर तो जी यू ही घर है, यू ही दुकान है, ही सोया वो तो। उसका गांव कौन सा, उसके माँ बाप कौन है? माँ बाप तो उसके बचपन में मर लिए, और गांव हमने कभी पूछा नहीं ना, कभी उसने बताया हमें। यू ऐसा ना बतावे। अरे अरे रुक तो सही, रुक तो सही। अरे तू मार रहा मुझे, पहले बात तो सुनो, बात तो बताओ क्या बात है। नहीं तो तेरी चमड़ी उधेड़ देंगे। बाबूजी मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं उसके बारे में पता, भगवान के सब मुझे नहीं है पता। ग्राहक मिलते ही अभी सब बता देगा। इसके गले में फंदा बांधो, इसे ऊपर लटकाओ, इसकी कहानी आज खत्म कर दे। बाबूजी मुझे भैया जी छोड़ दो, बाबूजी मुझे पता नहीं है। बाबूजी बात को समझो बाबूजी। ठीक है बाबूजी, जितना मुझे पता मैं बता रहा हूँ। बाबूजी पहले कोमल नाम की लड़की आई थी, वो उसी के गल गया, और मुझे कुछ नहीं पता। सब पता है, बाबूजी उसने एक दिन अपने दोस्त सुरेश का नाम लिया था मेरे आगे। कहाँ का वो? सुरेश गांव दुजाने का। छोड़ दो रही से, गाड़ी निकाल लो, चलो दुजाना। तू चिंता मत कर, सारा इंतजाम कर दूंगा।
मैंने भी धर लिया। इब जैसा तुम करोगे ना मैं वैसा ही करूंगी। यह अच्छी परेशानी आई भाई, इनका रिश्तेदार भी यही रात को रुकता दिखे है। कैसे ना खुला दरवाजा यू? अरे के हो गया? दरवाजा ना खुला जीजा। अरे यू खराब हो रहा, सुबह ठीक करा दूंगा, अब तू अपना काम नाली पर निपटा ले। चलो ठीक है जी, हम तो बाहर कर लेंगे। हे भगवान बच गए। कैसे बच गए? ये तो टॉयलेट तक भी ना छोड़ रहे। वो बाहर खड़ा है, सुन लेगा। अरे क्या कर रही है तू? टॉयलेट में क्या कर रख रहे हैं? रोटी खा मैं कहीं? टॉयलेट में बड़ा रोटी खाते होंगे, वहाँ खा ले तू रोटी। नाच गए, टॉयलेट जाऊँ? पता ना इस दरवाजे में क्या बढ़ गया, यू खुली ना रहा। अरे मैं देख लूंगा, तू जा। यू खुल क्यों ना रहा, खोल लो इसे एक बार। अरे यार तू जा ना। अब क्या करें? क्या करें यार, इन दोनों की आपस में लड़ाई हो रही है, अब तो गेट खोलना ही पड़ेगा। एक यू काम भी ऐसा ही है, यो रोक के तो नहीं रुकता। अच्छा तो ये बीमारी बढ़ रही थी यहाँ। नरेंद्र भाई तू फटाफट तैयार हो ले, मुझे न रहना यहाँ सी, मैं तेरे साथ चल रही हूँ। अरे भगवान वो काम कर ले जो करना ही है, कभी तेरे लत्ते गंदे हो जा। अरे क्या बात होगी जीजा, ये दोनों भाग के आए यहाँ और ये यही ना लुको बैठा यहाँ। ये तो बहुत गलत बात है, इन्हें समझा के इनके घर भेज दो। मेरा यार है, मैं इसकी इतनी मदद ना कर सकता। मदद अच्छे काम के लिए की जाती है, बुरे काम के लिए नहीं। अब बता रही हूँ मैं तुम्हें, ये आफत तुम्हारे गले पड़ जाएगी। कमल अब क्या होगा? अरे इस बात का भी हल काढ़ूंगा, जो यह भी मान जाएगी। आओ चलो। हिम्मत कैसे हुई उसे अपने घर में रोकने की? भैया जी मुझे नहीं पता था तुम्हारी बहन है वह। बहन बेटी किसी की भी हो, वे गलत काम करके आए हैं और तू ने बढ़ावा दे रहा है। आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी भैया जी। सुन, आज के बाद वे तुझे दिखाई दे तो हमें खबर करिए, वरना तुझे खत्म कर दूंगा। ठीक है भैया जी, जैसे तुम कहोगे ऐसे ही करूंगा। छोड़ो, सुनो दो आदमी यहीं रुक जाओ, वे दोबारा आ सकें उन पर नजर रखो। देख लिया बुरे काम का नतीजा? मैं तो पहली कह रही थी पर मेरी सुनता कौन है? यारी मैं इतना तो चले ही है। यारी गई बाहर में, हमारा चाहिए ऐसी यारी। ये काम ठीक ना होते
तुम उन दोनों के चक्कर में अपनी जिंदगी को खराब कर रहे हो। आगे से वो इस घर में कभी ना जा, ठीक है? ठीक है, ना आने के आगे से, बस। मेरे भैया तो यहाँ तक आ गए, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब क्या होगा कमल? कोमल, तू चिंता मत करे, मैं हूँ ना कोई हल निकाल लेंगे। मैं एक बार सुरेश को फोन करूँ। भाई बड़ी बुरी आफत है, के करूँ? किसी कोर्ट में तुम्हारी शादी हो नहीं सकती, काहे क्या तुम्हारे पे कोई भी कागज नहीं है। भाई सुरेश, कुछ भी कर, अब तो तू ही हमारा सहारा है। भाई अब तो एक ही चारा है, किसी मंदिर में जाकर तुम्हारी शादी कराई जा सके। कैसी भी कर भाई, पर हमारा बेड़ा पार करवा दे। चल ठीक है, मैं किसी पंडित से जाकर बात करूँ जो तेरी शादी फटाफट करा सके। यो तो ठीक है, पर यो इंतजाम किसी दूसरे काम में करवाइए, यहाँ तक तो वे पहुँच लिए। ठीक है। अरे बाप भी कहते यू ठीक रहेगा, अरे तेन्या कमल यू बहुत बढ़िया लगेगा। सेठ जी इन दोनों ने पैक कर दो आप। हो गए जी। यार सुरेश, तुझे तो पता ही है कोमल कितने बड़े घर थे, और चाहता हूँ मैं उम्र भर तेरे पहलू में रहना चाहता हूँ हर लम्हा।
भैया यहाँ रंग रलियां मनाई जा रही है उनकी। देखो भैया बेटी पकड़ दिखे पकड़ो। अरे बाहर निकल जाओ हरा टाइम ठीक हो तो। अरे बाहर को आ जाओ नहीं तो आज कूट कूट के मारेंगे। अरे बाहर आ जाओ आज तेरा मजनू पना निकाल देंगे बाहर आ जाओ। आज तेरी साइकिल की चैन सी चढ़ा दूंगा। आज तेरे ऐसे पंचर जोड़ेंगे जो कभी ना हटे। इधर जाओ तो इधर जाओ। चलो चलो ढूंढो इन्हें। थक गए सुबह से शाम हो गई ढूंढते ढूंढते तो गला भी सूख लिया। कोई बात नहीं पर वे ढूंढ के जरूर ले जाने। भैया सही कह रहे ढूंढेंगे। बड़ा भैया भी कह रहे उन्हें ढूंढ के लाना। चलो भैया चलो इसी में और चलो। परेशान हो रही होगी ना? बिल्कुल ना। क्यों झूठ बोल रही है? भूख तो लग रही होगी ना? तुम्हारे लिए मैं कुछ पल भूखी भी रह लूं तो क्या हुआ? कोमल मुझे तेरे ऊपर पूरा विश्वास है। मुझे पता है तू बहुत प्यार करे मेरे से। प्यार में जितना भी सहना पड़े ना वो कम होता है। मुझे तो बस इतना ही पता है। कोमल मैं जिंदगी भर तेरा साथ नहीं छोड़ दूंगा। हमारा साथ कभी नहीं छूटेगा। कमल मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है। प्यास लग रही है? मैं ट्यूबवेल का पानी लेकर आऊं। तुम कैसे जाओगे? यहाँ तो चारों तरफ पहरा है। तेरे लिए पहरे भी तोड़ दूंगा। मुझे बहुत डर लग रहा है कहीं उन लोगों ने तुम्हें पकड़ लिया तो। कोमल तू चिंता मत कर मैं अब आया।
कहां गई यार? मुझे लगा रास्ता ही भूल गया। कोमल, कोमल, जोर तो रुका भी नहीं सकता, पता ना कहां गई। वो लोग उसे उठा के तो ना ले गए। छोड़कर तो यहीं कहीं गया था, यहीं कहीं होनी चाहिए। कोमल, 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 शायद बेहोश होगी। कोमल, कोमल, इसकी तबीयत तो ज्यादा खराब लग रही है, डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। और चारों तरफ पहरा भी तो है। कोमल, कोमल, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हारे लिए सारे पहरे तोड़ दूंगा। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा ठंड और थकान की वजह से बेहोशी आ गई है। तुम ये दवाइयां ले आओ, ये जल्दी ठीक हो जाएंगे। हे भगवान, मैंने तेरा के बिगाड़ा, ना भाई दिया ना बहन, और माँ बाप थे वे भी बचपन में खोस लिए। मैं अकेला तड़पता रहा, दीन ईमान तक काम करता रहा, कभी किसी को धोखा नहीं दिया, ना ही किसी का बुरा किया, और आज या कोमल मिली तो इसे भी छीनना चाह रहे हो। बताओ मैं दवाई कहां से लाऊं, मेरे धोरे एक फुट्टी कोड़ी भी ना है। बस आपका आशीर्वाद चाहिए, या वो भी ना दे सकते। हे भगवान, मेरी बात कान खोल कर सुन ले, अगर कोमल को कुछ हो गया ना तो जीऊं मैं भी ना। कमल, के बात है? भाई सुरेश, कोमल की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, डॉक्टर ने दवाई लिख के दी है और मेरे पास पैसे भी नहीं है। अरे क्यों चिंता कर रहा है, ले पैसे, दवाई लेकर। और सुन, तुम दोनों के इसमें कपड़े हैं, और दवाई लाके बदल लेना। ठीक है, मैं दवाई ले आऊं। भाई चप्पा चप्पा छान मारा, कहीं पता नहीं चला साला हाथ से निकल गया। भाई मेरे सामने इतनी खतरनाक समस्या कभी नहीं आई, मेरा तो ऐसा जी कर है कि अपने शरीर पर मिट्टी का तेल छिड़का आग लगा दूं, मर जाऊं मैं। ज्यादा गुस्सा मत करो, सब्र से काम लो। बकवास बंद कर, ये सब तेरा किया धरा है? अरे घर की लड़की की जिम्मेदारी घर की औरतों की होती है। भैया छो में आने से कुछ ना होवे, कुछ सोचो। पूरे खानदान की इज्जत मट्टी में मिला दी, अब सोचन का की फायदा? हमारे खानदान में ऐसा होता तो मेरा बाप गर्दन काट देता। हो जा, संस्कार हमारे खानदान के भी खराब ना है। बाप भी चुप हो जाओ, दुख के समय ऐसी बात ना करते। भैया तुम कहो तो पुलिस को इतला कर दूं? नहीं, अगर पुलिस को इतला करेगा तो तुझे मेरी लाश मिलेगी, और वैसे भी मेरा घर से निकलना बंद हो रखा। भैया तुम आराम करो, मैं देख लूंगा। ये स्वस्थ हैं पूरी तरीके से, आप इन्हें ले जा सकते हो, पर थोड़ा ठंड से बचा कर रखना, ठीक है? जी। डॉक्टर साहब ने तो कह दी ये अब ठीक है, ले जाओ, पर इसे लेकर मैं जाऊं कहां? अरे यार तू चिंता ना करे, यू काम मेरा है, तुम दोनों ने मैं अपनी बुआ के यहाँ ले चलूंगा। यार तुम्हारी गल क्यों पीस है, हमारा तो पहली टाइम खराब चल रहा, और तने एहसान इतने कर रखे हैं। यार पे बड़े एहसान हो, यार वो हो जो दुख में काम आवे, ना तो ऐसे दुनिया धक्के खाती ना फिर रही है। सुरेश मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, अख तेरी यारी का फर्ज मैं निभा सकूं। अरे फर्ज वर्द बाद में निभा ली, अब तू चल।
बुआ, ओ बुआ दरवाजा खोलिए। बुआ राम राम। राम राम बेटा, राम राम। राम राम जी। सब ठीक ठाक तो है? तू इतने सुथरे बालक कहाँ लिए फिर है अपने गैल में? यू मेरा यार कमल है, यू इनकी घरवाली है। अच्छा ठीक है, मोनू पानी ले आ। लाया माँ। आ जाओ बैठ जाओ बेटा यहाँ पे। आओ बैठ। राम राम भाई। राम राम। चलो मैं चाय बना के लाती हूँ। हाँ बुआ ले आइए, पर मेरी एक बात सुनो, ये कुछ दिन के लिए यहीं रहेंगे। अच्छा ठीक है बेटा, जैसा तू मेरे लिए ऐसे ये, कोई बात नहीं। मोनू बेटा मैं खेत को जा रही हूँ, तू डांगरों की सानी कर लियो। ठीक है माँ। अच्छा क्या माल लग रही है यार, आज इसे चेक करके देखता हूँ। हाय, इस नरम हाथों को क्यों कष्ट दे रही है, पानी तो हम भी भर सके हैं। अरे बाहों में आजा, क्या रखा है उस भिकमंगे के पास? अरे मेरे पास आजा, ऐस करेगी ऐस। किसे कह रहा तू भिकमंगा है? वो मेरे लिए मेरा भगवान है और भिकमंगा होगा तू। तू है मेरे पैर की जुत्ती। तेरी इतनी हिम्मत जो मुझे मारा? अरे इतनी अच्छी होती तो नहीं भागी ना फिरती। प्यार करती हूँ उससे, शादी की है, निभागी ना फिर रही। आज तुझे कहीं करना छोड़ूंगा मैं। बचाओ कमल। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ जो मेरी बुआ की लड़की ने ऐसा काम करा। भाई सुरेश इसमें तेरी गलती थोड़ी है, तुझे थोड़ी पता थी ऐसा काम करेगा। पर यार जिंदगी कैसे कटेगी, अब तो मेरे पास पैसे भी ना है जो मैं पहले वाला काम कर लूँ। तू अपनी साइकिल की दुकान तो खोलिए मत, पकड़ा जाएगा। यार मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। एक काम करते हैं, मेरा एक दोस्त है सुपरवाइजर साइकिल फैक्ट्री में, उससे मैं बात करता हूँ कि तुझे वो अंदर लगवा दे, और अंदर ही अंदर काम करना, किसी को पता भी नहीं पड़ेगा। यू काम ठीक रहेगा भाई, बता कब चलेगा? आज तो कमरा देखते हैं, कल चलते हैं उसके पास। ठीक है भाई। सुरेश भैया मैं भी आस पड़ोस में कहीं बर्तन साफ करने का काम देख लूंगी। चुप हो जा कोमल, मेरी जीती जी तू किसी के झूठे बासण मान जाएगी? तने बात सोच भी कैसे ली? मैं तुम्हारी सुख दुख की भागीदार हूँ, वो सब मैं अपने आप देख लूंगा। चलो तुम्हारे रहने सहने का जुगाड़ देखते हैं, कहीं किराए पे कमरा देखते हैं। सुनो मुझे 2-3 दिन हो गए इन्हीं कपड़ों को पहने पहने, मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। हाँ राम राम। राम राम। अम्मा एक किराए पे कमरा चाहिए। भैया कमरा मिल तो जाता पर बच्चे घर ना है। अच्छा भाई साहब ये आपका मकान है? हाँ जी हमारा मकान है, बताओ। भाई साहब एक किराए पे कमरा चाहिए। हाँ जी कमरा मिल जाएगा, कौन रहेगा, फैमिली है? हाँ जी पति पत्नी है। पति पत्नी है? हाँ जी। लड़की के तो अभी दूध के दांत भी नहीं टूटे, पति पत्नी बता रहा? यहाँ नहीं कोई भी कमरा हो रहा, जाओ भाग यहाँ से। अरे यार सुन, बात कर रहा? राम राम जी। राम राम जी, बताओ क्या बात है? सेठ जी ना आपके यहाँ कमरा खाली बताया जी। कमरा तो है पर फैमिली वालों को देंगे। हाँ जी फैमिली है, पति पत्नी है ये। अरे कुटकी। हाँ जी। जरा कमरा दिखाओ इन्हें। अच्छा जी। सुनो 1 महीने का एडवांस लेंगे। हाँ जी ले लियो। ठीक है दिखा दे। आ जाओ। बोल भाई सुरेश कैसा आया? भाई तू साइकिल फैक्ट्री में सुपरवाइजर है, मेरा दोस्त साइकिल का सारा काम जाने है, तू इसकी भी नौकरी लगवा दे, यू बेचारा परेशान है इस टाइम। भाई तेरे काम क्यों कटाल हो, फैक्ट्री में वैसे भी वर्करों की कमी चल रही।
अच्छा भाई कब से भेज दूं? कल तड़की भेज दिए, कुछ एडवांस भी दिलवा दूंगा। भैया बहुत अच्छा रहेगा, आपका बहुत एहसान रहेगा, यू काम हो जाएगा तो। अच्छा कल तड़की मिलेंगे, इसका काम करा। चल ठीक है। अरे सुनो। जी भैया। कमर कस लो, चारों तरफ फैल जाओ, गाड़ी चाहिए गाड़ी लो, हथियार चाहिए हथियार लो, पर मुझे वे दोनों जल्द से जल्द चाहिए। भैया एक तरकीब बताऊं? तू भी बता। भैया तुम इतने दुखी हो रहे, पुलिस में रपट क्यों ना कर देते? पुलिस कूट तो मारे धोरे खुद ही ले आवेगी। मेरा दिमाग खराब है? पुलिस में रपट कर दो, सारे काम गुहाड़ में बेइज्जती हो जाएगी हमारी, भैया तो जीते जी मर जावेंगे। ठीक कह रहे हैं भैया, ये तो यूं ही पागलपन की बात करे। हमें सिर्फ दो दिन दो भैया, इस पूरे इलाके को हम छान लेंगे। ठीक है परसों मिलते हैं। चलो रहने के लिए कमरा किराए पे तो मिल गया। तुम इसे कमरा कह रहे हो? ये तो मेरे लिए महल है महल। तुम इतने बड़े महल में रहने वाली और ये छोटा सा किराए का कमरा। अगर तुम मेरे साथ हो ना तो महल क्या चीज है? ये तो चंद ईंटों का मकान है, पर तुम तो मेरा मुकद्दर हो। और वैसे भी अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं इस कमरे में क्या, मैं तो वीरान जंगल में भी रह लूंगी। और वैसे भी कोमल का बसेरा तो सिर्फ कमल के दिल में है। करने का पता तो तुझे अभी चलेगा। इन्हें क्यों मार रहे हो? इन्होंने कौन सी भैंस खोल ली थारी? तू भीतर को जाके मर जा, तेरा कोई काम ना आया, मर्दों की लड़ाई है यो। अरे भैया नू तो बता, तू मेरा दोस्त क्या है, मुझे क्यों पीट रहे हो तू? अरे सब बताएंगे, थोड़ा सबर कर, चलो रे। भैया गलती कर दी सुरेश को छोड़ के। हमने सुरेश को छोड़ दिया? अरे इसमें भी हमारी चाल थी, पर अब हमें सुरेश का प्यारा बन के बात करनी पड़ेगी। भैया जी मुझे तो सुरेश के भाव से पहले ही पता लग गया था कि उसे सब पता, पर वह डर की वजह से नहीं बता रहा। तब मुझे पागल समझो? यू तो मैं पहले ही भाप गया था, पर अब उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, यानी झूठा प्यार दिखाना पड़ेगा। ठीक है तो भैया अब इस तरीके को ही अपना के देख लेंगे। तो तुम एक काम करो, तुम सुरेश के घर के आसपास पूरे इलाके पे नजर रखनी शुरू कर दो। ठीक है भैया। ठीक है। सुरेश आ जा भाई आ जा। अरे सुमन पानी लाइए। और भाई ठीक भी है तू? हाँ। मुझे तो आज पता चला मेरा यार टूट तो सका है पर झुक नहीं सकता, सोचा तेरे से मिल लिया हूँ। कमल तू फिकर ना कर, तू तो मेरा दोस्त है, दोस्ती से बड़ा कोई रिश्ता ना है, यही तो एक रिश्ता जो बिना सोच समझे बनाया जावे। अरे एक दो लट लग भी गए के हो गया, मैं तो तेरे ऊपर जान दे दूं, पर तू ऐसा कर यहां से चला जा, कभी किसी ने देख ले तो दिक्कत हो जाएगी। और हाँ मैं ठीक होती तेरे पास आऊं। सुरेश मेरे भाई मेरा मन ना करा तुझे छोड़ के जाने का, तू मेरे लिए इतना कुछ कर सके, मार खा सके, चाहे वे मुझे मार दें, पर मेरा मन नहीं करा तुझे छोड़ के जाने का। अरे सुब सुब बोल, अभी तेरा यार जिंदा है, अरे मैं ठीक होती तेरे से मिलने आऊंगा। अर अब तू चला जा, तुझे भाभी की कसम। तू वादा कर ठीक हो तू मिलना आऊंगा। पक्का वादा, ठीक होती मैं तेरे पास जरूर आऊंगा। चल ठीक है। Thank you.
भैया। हाँ। मैंने अभी सुरेश को जाते हुए देखा। कहाँ जाते हुए देखा? मुझे लगा है वो कमल से मिलना आया। आप जल्दी यहाँ पहुँच जाओ। तुम उस पर नजर रखो, मैं आ रहा हूँ। हाँ हम उस पर नजर रखे हुए हैं। ठीक है भैया, ठीक है, चलो रे उस पर नजर रखते हैं। हटो हटो, ये तो बहुत अच्छा लड़का है, इसने हमारी बहन की बहुत ज्यादा मदद करी है। भाई तेरी यारी का आगे तो हम भी झुक गए। मैं समझा नहीं। अरे इसमें समझने वाली कौन सी बात है, अब तो सारे भेद खुल गए। अब तू हमें एक नेक काम कर लेने दे। कौन सा काम भैया? सुन, जो होना था वो तो हो गया। भैया जी तुम क्या कह रहे हो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई बालकपन में बालकों पर गलती हो ही जा, पर बड़ों का फर्ज है उन्हें माफ कर देगा। और देख हमारी इज्जत भी इसी में ही है, हम उन दोनों को घर ले जावे, उनका ब्याह करें, इज्जत के साथ उन्हें विदा करें। सच कह रहे हो भैया? अरे बिल्कुल सच भाई, कसम ले ले। भैया आपकी जुआनी कसम है। तो फिर ठीक है, उन्हें समझा के मेरे साथ लेके चल। ठीक है भैया, चलो मेरे साथ। कोई आया है शायद, मैं देखती हूँ। घबरावे ना, मैं तुझे इज्जत से लेना आया हूँ। घर भाभी भैया इंतजार कर रहे हैं, चल मेरी लाडली घर चल। भाभी ये ठीक कह रहे हैं, भैया ने गुस्सा थूक दिया, ये तेने लेने आए। कमल जो तुमने करा उसे भूल जाओ, अब हमारा काम है थारी जिंदगी बेहतर करें। हम बढ़िया ढाल थारा ब्याह करेंगे, आशीर्वाद देकर तुम्हें विदा करेंगे। नहीं कमल, दरवाजा मत खोलना, वो मेरे भैया हैं, बहुत खतरनाक है, तुम उन्हें नहीं जानते। चिंता मत करो कमल, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। जिएंगे तो साथ जिएंगे, मरेंगे तो साथ मरेंगे। और वैसे वो तुम्हारे भाई हैं और तुम उनकी इकलौती लाडली बहन, वो तुम्हारा बुरा ढूंढने चाहेंगे, तुम उन पर एक बार विश्वास करके देख सकते। कैसी है मेरी लाडली, देखो क्या हाल होगा तुम दोनों का हमारी वजह से, कैसे कैसे दुख झेलने पड़ रहे हैं। चलो अब घर चलो, चलो जल्दी घर चलो। लाडली बहुत बढ़िया ढाल ब्याह करेंगे थारा, पूरे गांव गुहांड की दावत करेंगे, भैया भी इंतजार कर रहे हैं थारा घर। चलो जल्दी करो आओ। ठीक कह रहे हैं भैया, चलो। माँ बाप के मरने के बाद मैंने तुझे कोई कमी नहीं छोड़ी, बहुत अच्छे से पाल पोस कर तुझे बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, तेरी हर ख्वाहिशें पूरी की। ये पूरा काम मुझे प्रधान जी कह के थकता नहीं था, मेरे फैसले के बिना कोई फैसला होता नहीं। पता नहीं क्या किया, मेरा पूरे गांव में निकलना बंद करवा दिया, मेरी इज्जत पूरी मिट्टी में मिल गई। बता
बता तूने ऐसा क्यों किया कमाल, बता अब बोल क्यों नहीं, क्यों किया तूने ऐसा, बता कमाल बता, अब बोल कमाल कमाल बोल। ये गलती इसकी नहीं है, ये गलती इस कमीने की है, इस पेंचर वाले की गलती है। नहीं मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ, इसकी कोई गलती नहीं है, मैं इसे लेके गई थी भैया। ले जा इस हरामजादे को और मार, मार भैया। तुझे वो ज्यादा प्यारा हो गया, हम तेरे लिए कुछ नहीं है। Ha ha ha!
पावे डाकड़ा तेरे वर्गा दूजा पीस बता पावे डाकड़ा।